Hello everyone, today I am going to start dimension analysis. Okay, so before starting this chapter there are so many important definition. तो पहले ये सब का बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो फर्स्ट इज रेनॉल्ड नंबर. रेनॉल्ड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो रेनॉल्ड नंबर, व्हाट इज रेनॉल्ड नंबर? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू द विस्कस फोर्स. ओके, सो इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स. ओके, तो देखो इनर्शिया फोर्स मतलब रेनॉल्ड नंबर को आरी से इसको इसका सिंबल आरी है. ठीक है, तो आरी इज इक्वल टू क्या हो गया? इनर्शिया फोर्स दैट्स मीन एफ आई टू द विस्कस फोर्स. तो सपोज मान लो विस्कस फोर्स मतलब ए भी. ओके, सो व्हाट इज इनर्शिया फोर्स? इनर्शिया फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सीलरेशन ए, एंड विस्कस फोर्स मीन्स टाउ इंटू ए. ओके, सो लुक, एम ए इज इक्वल टू व्हाट इज मास? मास इज नथिंग बट द डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. यू कैन राइट इंस्टेड ऑफ मास एज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ए. ए मीन्स वेलोसिटी बाय टी, रेट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन. सो टी को हम वॉल्यूम का नीचे कर देते हैं. ठीक है, तो रो हो गया वॉल्यूम बाई टी हो गया इंटू वेलोसिटी. तो वॉल्यूम बाई टी क्या होता है? डिस्चार्ज होता है. तो वी कैन राइट क्यू वॉल्यूम बाई टी एस क्यू इंटू वी. ओके, नाउ लुक, एज वी नो क्यू इज इक्वल टू ए इंटू वी. तो इंस्टेड ऑफ क्यू वी कैन राइट ए इंटू वी. तो ए हो गया रो ए इंटू वी इंटू भी. तो हो गया रो ए भी स्क्वायर. तो वी गॉट इनर्शिया फोर्स एस रो ए भी स्क्वायर. एंड विस्कस फोर्स, लुक, ए भी इज इक्वल टू टाउ इंटू ए. तो व्हाट इज टाउ? टाउ इज नथिंग बट म्यू इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट वी बाई एल इंटू ए. ओके, इंस्टेड ऑफ ए वी कैन राइट हेयर एल स्क्वायर. बट एज बिकॉज इन इनर्शिया फोर्स देयर इज ऑल्सो एरिया इज प्रेजेंट, सो it will be cancelled out. So now what will be then the Reynolds number? Reynolds number will be inertial force means rho a v square, rho a v square to the viscous force, that's mean mu v by l into a. Look, a will be cancelled out, v will be cancelled out, then we got rho v l by mu. So this is Reynolds number. Okay, so very important definition. What is Reynolds number then? Reynolds number, it is the ratio of inertia force to the viscous force. कैसे इसको calculate किए हम? देखो inertia force क्या होता है? Mass into acceleration होता है. तो हम इसको just arrange कर लिए, इसका acceleration का t हम volume के नीचे कर दिए. Then this way we get discharge, as because we know that discharge is equal to a into v, so we got the result rho a v square. And what in case of viscous force we got the result mu v by a into v by l into a, and ultimately re is equal to rho v l by mu. This is the standard formula. Okay, now second Euler number. Okay, very important definition, exam mein pucha jata hai. Theek hai, second Euler's number, look, इट इज़ डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द प्रेशर फोर्स. ओके, इसका जो डिफिनेशन होता है, इट इज डिफाइंड एज ए स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ inertia force to pressure force. Okay,
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऑयलर नंबर ई यू, ओके ये क्या होता है ना, रूट अंडर इनर्शिया फोर्स ई आई टू द प्रेशर फोर्स, सॉरी एफ आई, एम मतलब फोर्स, एफ आई टू द प्रेशर फोर्स एफ पी। ओके सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स रो ए वी स्क्वायर वी गॉट प्रीवियसली, देन वी कैन राइट हेयर इंस्टेड ऑफ एफ आई एस रो ए वी स्क्वायर। ओके एंड प्रेशर फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया होता है, ठीक है ना, तो देन एरिया एरिया कट जाएगा, एरिया एरिया बिकम्स कैंसल आउट एंड देन वी गॉट द रिजल्ट वी स्क्वायर, तो एक स्क्वायर रूट का बाहर आ जाएगा एंड पी बाई रो। ओके सो दिस इज ऑयलर नंबर। नाउ थर्ड फोर्ड नंबर, ओके वेरी इंपॉर्टेंट एफ आर ओ यू डी नंबर, तो ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या होता है, इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके तो इनर्शिया फोर्स वी गॉट एज रो ए वी स्क्वायर, ये तो इनर्शिया फोर्स था, बट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, इसको सपोज एफ जी, एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो होता है ये जो होता है एम जी होता है, तो एम क्या होता है, एम मतलब रो इंटू वॉल्यूम होता है इंटू जी। ओके तो इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम वी कैन राइट हेयर रो इंटू एल क्यूब इंटू जी। ओके सो देन व्हाट विल बी फ्रंट नंबर, एफ आर विल बी रूट अंडर एफ आई बाई एफ जी एज पर डेफिनेशन, सो इंस्टेड ऑफ एफ आई वी कैन राइट हेयर रो ए वी स्क्वायर, लुक रो ए वी स्क्वायर एज वी गॉट इनर्शिया फोर्स एज रो ए वी स्क्वायर, सो वी कैन राइट हेयर एंड व्हाट इज अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स, रो एल क्यूब जी। ओके वी कैन राइट रो एल क्यूब जी, सो लुक रो रो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए क्या होता है, लुक वी स्क्वायर है, ए क्या होता है, ए मतलब एरिया, एरिया मतलब एल स्क्वायर एल क्यूब इंटू जी, तो एल स्क्वायर एल क्यूब, तो वन एल नीचे आ जाएगा, तो ये जो हो जाएगा वी बाई रूट अंडर एल जी। ओके सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रंट नंबर, आई थिंक क्लियर। सो नेक्स्ट फोर्थ वेबर नंबर, अच्छा वेबर नंबर कैसे डिफाइन किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द सरफेस टेंशन, तो यहाँ पे सरफेस टेंशन आ जाता है। लेकिन देखो एक चीज कॉमन है, जो डेफिनेशन अभी तक जो हम बताए जैसे रेनॉल्ड नंबर, ऑयलर नंबर, फ्रंट नंबर, वेबर नंबर, सब में ऊपर में जो होगा इनर्शिया फोर्स होगा, ठीक है, तो व्हाट इज अबाउट वेबर नंबर, इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन। तो वेबर नंबर को वी कैन रिप्रेजेंट एज डब्ल्यू बी। ओके तो ये क्या होता है, इनर्शियल फोर्स एफ आई बाई सरफेस टेंशन एफ सिग्मा। तो देखो सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन जो होगा, सरफेस में जो स्ट्रेस आएगा इनटू उसका लेंथ होगा, ये हो जाएगा सरफेस फोर्स, दैट मीन्स सरफेस टेंशन फोर्स। सो इंस्टेड ऑफ एफ आई वी कैन राइट हियर
रो भील स्क्वायर इंटू ए, और ए मतलब क्या होता है, एल स्क्वायर होगा, एल स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन, दैट्स मीन सिग्मा इंटू एल। लुक एल, वन एल कट जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, भी बाहर आ जाएगा बाय रूट अंडर सिग्मा बाय रो एल। तो ये हो गया वेबर नंबर। एंड लास्ट वन इज मैक नंबर, ओके, लास्ट वन इज मैक नंबर। सो मैक नंबर क्या होता है, लुक इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द इलास्टिक फोर्स। तो मैक नंबर जो होगा वो नीचे इलास्टिक फोर्स होगा, सो वी कैन राइट इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स, ओके। तो मतलब मैक नंबर एम ए क्या हो गया, इनर्शिया फोर्स हो गया टू द इलास्टिक फोर्स हो गया। तो इनर्शिया फोर्स मतलब क्या होता है, रो भी स्क्वायर इंटू ए मतलब एल स्क्वायर बाय इलास्टिक फोर्स मतलब इलास्टिक स्ट्रेस, मान लो के 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 इज इलास्टिक स्ट्रेस, इंटू एल हो जाएगा, ओके, अच्छा इंटू इलास्टिक फोर्स मतलब ए हो जाएगा एरिया, ओके। तो ए मतलब एल स्क्वायर, तो क्या होगा, रो भी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई के एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर कट जाएगा। देन व्हाट विल बी, भी विल बी आउट ऑफ स्क्वायर रूट एंड वी गॉट द रिजल्ट वन बाई के बाई रो, रो को नीचे कर दिए हम, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, तो अब आ गया भी बाई रूट अंडर के बाई, सो एम ए गॉट एम ए इजिकल टू भी बाई रूट अंडर के बाई रो। नाउ लुक K by rho is also is equal to C. C means speed of sound. Okay. So we can write instead of root under K by rho as V by C. Okay. So, so very important definition. One is Reynolds number, Euler number, Ford number, okay, Weber number and Mach number. Exam mein both bar puchta hai sab definition. So now next topic, dimension analysis, okay. तो क्या होता है dimension analysis, देखो इसका जो main जो इसका जहाँ पे use होता है वो mainly research and development field में use होता है। तो in engineering and science, dimension analysis is the analysis of relationship between different physical quantities by identifying their base quantities. अच्छा base quantities क्या होता है, basically यहाँ पे ना सात base quantity है, मतलब उसको fundamental dimension बोला जाता है। कौन कौन है, जैसे length है, mass है, time, temperature, amount of substance, light intensity, electric current, ये जो सात main fundamental dimension होता है, ठीक है। तो जो होता है m होता है, l होता है, टी होता है, ठीक है, ईटीसी हम लिखेंगे बाद में। तो बेसिकली एम एल टी जो होता है ना फ्लूइड मैकेनिक्स में ज़्यादातर ए यूज होगा, ठीक है। तो एक्चुअली डायमेंशन एनालिसिस क्यों करना होता है, देखो कोई भी प्रोडक्ट उसमें वो प्रोडक्ट कौन कौन चीज़ में वो डिपेंड करता है, मतलब उस जो प्रोडक्ट में कौन सा चीज़ वेरिएबल है, कौन सा चीज़ इंडिपेंडेंट है, कौन सा चीज़ डिपेंडेंट है, सब जानने के लिए ना डायमेंशन एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। सपोज मान लो दिस इज ए कार, कोई भी कार है, ठीक है, मान लो एक कार है, ठीक है, तो कार मान लो इधर जा रहा है, तो जब कार आगे तरफ जाएगा एक ड्रैग फोर्स एक्ट होगा इसमें, सो ड्रैग फोर्स एफ, सपोज मान लो एफ डी ड्रैग फोर्स, तो ये जो ड्रैग फोर्स है ना ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक कहाँ किस कौन कौन चीज में डिपेंड करेगा, एक कार का शेप और साइज में डिपेंड करेगा, सरफेस में डिपेंड करेगा, कितना स्पीड में जा रहा है एयर,
मतलब विंड स्पीड में डिपेंड करेगा, टेम्परेचर में डिपेंड करेगा, एयर डेंसिटी में डिपेंड करेगा, हर चीज़ में डिपेंड करेगा। तो ये जो हो गया ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन कौन कौन चीज़ में डिपेंड करेगा, जैसे सेप, कार का सेप जितना बड़ा होगा उसमें उसमें उतना ज़्यादा ड्रैग फोर्स आएगा, ठीक है। सरफेस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ड्रैग फोर्स आएगा, ठीक है। एयर वेल मतलब विंड स्पीड या फिर एयर वेलोसिटी, ओके, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सब चीज़ में डिपेंड करेगा। सो नाउ यहाँ पे एज आई टोल्ड दैट सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो इसको याद रखना होता है। व्हाट आर दो सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज? फर्स्ट इज लेंथ, लेंथ, ओके। सेकंड मास, थर्ड टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंट, लाइट इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात सेवन आर फंडामेंटल डायमेंशन। तो लेंथ, लेंथ को लेंथ का जो सिंबल होता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंबल लेंथ। लेंथ का जो फंडामेंटल डायमेंशन होगा ये होगा एल, ठीक है, मतलब एल से इसको सिंबलाइज किया जाता है। मास क्या होगा? कैपिटल एम। टाइम, टाइम फॉर टी। टेम्परेचर, टेम्परेचर फॉर थीटा। अच्छा रुक, टेम्परेचर एंड टाइम कन्फ्यूज मत होना। टाइम टी होगा, टेम्परेचर थीटा होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन, लाइट इंटेंसिटी जे एंड इलेक्ट्रिक करेंट एस आई, ओके। ये तो हो गया सिंबल। तो जैसे लेंथ, इसका यूनिट क्या होता है? मान लो एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। लेंथ का एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। मास का क्या होगा? केजी होगा। टेम्परेचर का, सॉरी टी फॉर टाइम, टाइम का क्या होगा? सेकेंड। टेम्परेचर का क्या होगा? केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल्स। लाइट इंटेंसिटी कैंडेला। एंड इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ओके। लुक, वन चीज यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हाट एवर इट्स यूनिट मे बी बट सिंबल विल बी सेम। इट जैसे मान लो कोई भी यूनिट एसआई में है या फिर वो सीजीएस में है या फिर एमकेएस में है, कुछ भी है, लेकिन सिंबल दैट्स मीन फंडामेंटल डायमेंशन विल नेवर बी चेंज। मतलब लेंथ का हमेशा ही लेंथ एल होगा, मास का हमेशा एम होगा, टाइम का हमेशा टी होगा, टेम्परेचर थीटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन, लाइट इंटेंसिटी जे एंड इलेक्ट्रिक करंट आई। दैट्स मीन इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ओके। सो वी कैन राइट हियर दैट द डायमेंशन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब यूनिट पर डिपेंड नहीं करेगा। सो वी कैन राइट हियर द dimensional formula of any physical quantity does not depends on system of unit, मतलब इसका कुछ भी हो जाए लेकिन इसका सिस्टम मतलब इसका यूनिट पे डिपेंड नहीं करेगा। सपोज लुक, तो दिस आर कॉल्ड क्या? फंडामेंटल डायमेंशन। ये हो गया फंडामेंटल डायमेंशन।
फंडामेंटल डायमेंशन, ठीक है। सो अनदर वन इज कॉल्ड सेकेंडरी डायमेंशन, ये तो हो गया फंडामेंटल डायमेंशन, अनदर इज कॉल्ड सेकेंडरी डायमेंशन। सेकेंडरी डायमेंशन मतलब क्या होता है, जो फंडामेंटल डायमेंशन का ऊपर वो डिपेंड होगा, ठीक है। वो सेकेंडरी डायमेंशन मतलब जो जिसमें फंडामेंटल डायमेंशन रहेगा, ठीक है। सो सेकेंड वन इज सेकेंडरी डायमेंशन, सेकेंडरी डायमेंशन मीन्स ए क्वांटिटी व्हिच हैज मोर देन वन फंडामेंटल डायमेंशन। सो इसका सिंपलेस्ट डेफिनेशन, ए क्वांटिटी व्हिच हैज मोर देन वन फंडामेंटल डायमेंशन, ओके। सो एज एन एग्जाम्पल सपोज मान लो फोर्स एफ, ठीक है। तो व्हाट इज फोर्स, एफ इजिकल टू एम इंटू ए, ठीक है। तो एम क्या हो गया यहाँ पे, मास। मास क्या होता है, फंडामेंटल डायमेंशन होता है। लुक मास, देखो मास जो होता है फंडामेंटल डायमेंशन, इसका सिंबल एम होता है, कैपिटल एम। तो मास हो गया कैपिटल एम। एंड ए, ए फॉर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम होता है। लेकिन देखो हम यहाँ पे बताए थे कभी जो एक्सीलरेशन इसमें है नहीं है, इसमें फंडामेंटल डायमेंशन में एक्सीलरेशन नहीं है। तो एक्सीलरेशन जो होता है वी बाय टी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एज यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है इसका यूनिट एक्सीलरेशन का। तो मीटर मतलब क्या होता है, लेंथ। लेंथ का क्या होता है, डायमेंशन एल होता है। तो मीटर का इंस्टेड ऑफ मीटर वी कैन राइट एज फंडामेंटल डायमेंशन एल। एंड सेकेंड स्क्वायर मतलब, सेकेंड मतलब क्या होता है, देखो सेकेंड मतलब टाइम होता है, और टाइम मतलब क्या होता है, टी, कैपिटल टी। तो कैपिटल टी स्क्वायर, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं एल टी टू द पावर माइनस टू। तो ये हो गया एम एल टी टू द पावर माइनस टू। तो देखो फोर्स जो है ना, ये सेकेंडरी डायमेंशन बन गया, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा फंडामेंटल डायमेंशन है। देखो एम खुद से एक फंडामेंटल डायमेंशन है, एल भी खुद से एक फंडामेंटल डायमेंशन, एंड टी ऑल्सो इट सेल्फ ए फंडामेंटल डायमेंशन, ओके। सो एफ, एफ इज ए क्वांटिटी व्हिच हैव मोर देन वन फंडामेंटल डायमेंशन, एस बिकॉज एम एल टी ऑल आर इट सेल्फ फंडामेंटल डायमेंशन। सो दिस इज कॉल्ड देन एफ, एफ विल बी कॉल्ड सेकेंडरी डायमेंशन, ओके। सो देखो एफ का यूनिट कुछ भी हो, ठीक है, मान लो एसआई यूनिट, एसआई यूनिट न्यूटन होता है, या फिर इसको तुम बोल सकते हो किलो न्यूटन, मेगा न्यूटन, कुछ भी। और सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन होता है। लेकिन यूनिट कुछ भी हो, लेकिन डायमेंशन विल बी ऑलवेज एम एल टी टू द पावर माइनस टू। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। इसलिए हमने बताए थे द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब सिस्टम का यूनिट कुछ भी हो जाए बट डायमेंशन विल बी ऑलवेज सेम, ओके। सो नाउ कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डायमेंशन होमोजेनिटी। डायमेंशन होमोजेनिटी क्या होता है, इससे ही एक्चुअली बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। सो डायमेंशन होमोजेनिटी, देखो डायमेंशन होमोजेनिटी जो होता है ना, द पावर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशन, दैट्स मीन फंडामेंटल डायमेंशन क्या क्या होता है, एम एल टी ईटीसी, मतलब सेवन है इसमें, ठीक है। ऑन बोथ साइड, मतलब कोई भी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बोथ साइड का क्या होगा, बोथ साइड इक्वेशन विल बी आइडेंटिकल होगा डायमेंशनली, मतलब वो डायमेंशनली आइडेंटिकल होगा। मतलब मान लो बोथ साइड में एम एल टी है, तो इस साइड में एम का जो पावर होगा, इस साइड का भी एम का पावर का इक्वल होगा। तो इन लैंग्वेज वी कैन राइट द पावर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशन, ओके, फंडामेंटल डायमेंशन दैट मीन एम एल टी एटसेट्रा ऑन बोथ साइड्स, ऑफ द
equation will be identical for dimensionally homogeneous equation. तो मतलब इसका जो होता है कॉन्सेप्ट वो बोथ साइड इक्वल होगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली दो मेथड होता है, वन इज रिलाय मेथड, अनदर इज बकिंगम पाई थ्योरम। तो तुम लोग का सिलेबस में बकिंगम पाई थ्योरम है, बट टू अंडरस्टैंड एक्चुअली बकिंगम पाई थ्योरम यू हैव टू ग्रो थ्रू रिलाय मेथड। मतलब पहले रिलाय मेथड को समझना होगा तब बकिंगम पाई थ्योरम समझ में आएगा। सो तो टू मेथड, वन इज रिलाय मेथड, and another one is called Buckingham Pi theorem. So for today class I am only going to discuss Rilei method, okay। तो ये क्या होता है, देखो today topic is Rilei method। इसमें बेसिकली दो टाइप का वेरिएबल होता है, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, अनदर वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। तो इसमें दो टाइप का वेरिएबल होता है, यू कैन राइट वेरिएबल, वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड अनदर वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखो सपोज मान लो कोई भी फंक्शन एक्स, ठीक है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस में डिपेंड है, सपोज मान लो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री पे ये डिपेंड है, तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री, ओके। तो इसमें एक लिमिटेशन है, इस मेथड में रिलाय मेथड में वन लिमिटेशन, लिमिटेशन इज दैट नंबर ऑफ वेरिएबल व्हिच इज गिवन वेरिएबल इज डिपेंडेंट शुड बी इन बिटवीन थ्री टू फोर, मतलब तीन से चार होगा, तीन चार से मतलब चार से ज़्यादा नहीं होना होगा, चार से ज़्यादा होगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो रिलाय मेथड में क्या होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल शुड बी इन बिटवीन थ्री एंड फोर, मतलब तीन और चार यही होगा, चार से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसमें जो कॉन्स्टेंट है, दैट्स मीन लिमिटेशन, कॉन्स्टेंट जो है नंबर ऑफ वेरिएबल ऑन व्हिच द गिवन वेरिएबल इज डिपेंडेंट should be in between 3-4, मतलब चार से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो सपोज एज एन एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दैट x इज ए फंक्शन ऑफ x1, x2 एंड x3, ओके। तो x ऐसे लिख सकते हैं हम, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा x1 टू द पावर सपोज मान लो a, x2 टू द पावर सपोज मान लो b, एंड x3 टू द पावर सपोज मान लो c, ठीक है। तो इसमें जो होगा, ये जो होगा डायमेंशनल फॉर्म x का, ठीक है, और ये जो होगा डायमेंशनल फॉर्म ऑफ x1, x2 और x3, मतलब ये तो हो गया फंक्शन फॉर्म, लेकिन इसको जब तुम डायमेंशनल फॉर्म में ले जाओगे तो ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे x इज इक्वल टू के के x1 टू द पावर a, x2 टू द पावर b एंड x3 टू द पावर c, ये हो गया डायमेंशनल फॉर्म। तो ओके, ये हो गया डायमेंशनल फॉर्म, डायमेंशनल फॉर्म, आई थिंक क्लियर। सपोज एक प्रॉब्लम करेंगे तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो लुक, आई एम नाउ राइटिंग ए क्वेश्चन, तो ये देखो तो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट।
तो क्वेश्चन इज ऑल अबाउट फाइंड एक्सप्रेशन of the power developed by the pump when power P depends upon P depends upon the head H, the discharge Q and the specific weight and the specific weight as small w of fluid. और क्या बात क्या दिया है इसमें, पावर इज ए फंक्शन ऑफ हेट डिस्चार्ज एंड स्पेसिफिक वेट. पावर इज ए फंक्शन ऑफ one is heat, another one is discharge, and third one is specific weight. Okay, तो इसमें expression निकालना होगा जो क्या होगा, power heat discharge and specific weight का रिलेशन में होगा, तो ये एक्सप्रेशन निकलना होगा. तो एज क्वेश्चन सेड दैट पावर इज ए फंक्शन ऑफ पावर पी इज ए फंक्शन ऑफ हेट डिस्चार्ज एंड स्पेसिफिक वेट, सो वी कैन राइट इन दिस वे. बट इसका डायमेंशनल फॉर्म क्या हो जाएगा, हम जैसे बताए थे इसका डायमेंशनल फॉर्म हो जाएगा, मान लो इसका डायमेंशनल फॉर्म हो जाएगा जो होगा एक्चुअली वो होगा पी इज इक्वल टू के एच टू दी पर ए, मान लो क्यू टू दी पर बी एंड स्मॉल डब्ल्यू टू दी पर सी. ये हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्म. ओके, ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्म. जैसे हम बताए थे ये जो होता है इसका डायमेंशनल फॉर्म ऐसा होता है. तो इसमें एक कॉन्स्टेंट आ जाता है, एक कॉन्स्टेंट जो होता है ना ये डायमेंशन लेस होता है, यह हमेशा डायमेंशन लेस होता है. ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट है ये डायमेंशनल लेस, ज्यादातर डायमेंशनल लेस होता है. ठीक, अभी देखो एक चीज ध्यान से देखो, ये जो एज है ना, एज क्या होता है, लेंथ होता है. तो एज का जो डायमेंशन होगा, इसका जो डायमेंशन होगा ये एल होगा. ठीक, इतना तो क्लियर है. तो क्यू, क्यू क्या होता है बताओ, डिस्चार्ज होता है. डिस्चार्ज मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड. ठीक है, तो मीटर मतलब क्या होता है, लेंथ. तो एल क्यू बाय सेकेंड मतलब वी कैन राइट एज टी. तो क्यू का डायमेंशन हो गया एल क्यूब बाय टी. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एल क्यू टी टू दी पार माइनस वन. एंड व्हाट अबाउट डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब स्पेसिफिक वेट. स्पेसिफिक वेट मतलब क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है. तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है. ठीक है, वेट मतलब क्या होता है, फोर्स. ठीक है ना, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स का वेट मतलब फोर्स. फोर्स का हम क्या बताए थे, एम फोर्स का जो आया था इस, यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे आ गया था फोर्स का एम एल टी टू पर माइनस टू, ये था फोर्स का. तो वेट का जगह, वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है ना. तो फोर्स का भी यूनिट न्यूटन होता है. तो इंस्टेड ऑफ वेट वी कैन राइट हेयर एज एम एल टी माइनस टू बाई यूनिट वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब होता है. तो एल क्यूब, तो ए हो जाएगा एम एल टू थी पर माइनस टू टी टू थी पर माइनस टू.
ठीक है ना. नाउ लुक व्हाट इज देन द यूनिट ऑफ डायमेंशन ऑफ पावर. देखो पावर क्या होता है ना, देखो पावर, पावर जो होता है वो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क. तो ये जो होता है ना, इसका जो यूनिट, देखो जब तुमको पता नहीं चलेगा जो इसका फंडामेंटल इसका डायमेंशन यूनिट से पता करो. जैसे पावर, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है, या फिर जूल पर सेकंड लिख सकते हैं, या फिर न्यूटन मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, कुछ भी तीनों में. तो देखो हम इसको काउंट कर लिए, न्यूटन मीटर पर सेकंड. देखो न्यूटन मतलब क्या होता है, न्यूटन मतलब फोर्स हो गया. देखो जब जब भी न्यूटन रहेगा ना, तब तुरंत क्लिक कर लेना जो ये फोर्स है. फोर्स मतलब क्या होगा, एम एल टी टू दी पर माइनस टू फोर्स हो गया, इंटू मीटर, मीटर मतलब एल लेंथ हो गया, पर सेकंड, सेकंड मतलब, सेकंड मतलब क्या, तो टाइम, टाइम पर टी, टी हो गया. तो ए जो हो गया एम एल स्क्वायर टी टू दी पर माइनस थ्री हो गया. तो डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या बोलता है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल करना होता है. तो एज पर डायमेंशनल होमोजेनिटी वी कैन राइट डायमेंशन होमोजेनिटी, डायमेंशन होमोजेनिटी वी कैन राइट एज एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस थ्री, ठीक है, इजिकल टू के, के तो रहेगा एच, इंस्टेड ऑफ एच वी कैन राइट हेयर एज एल, एल टू द पावर ए हो गया, ठीक है. क्यू, क्यू मतलब एल क्यू टी माइनस वन टू द पावर हो गया बी, एंड इंस्टेड ऑफ स्पेसिफिक वेट ये था एम एल टू दी पर माइनस टू एंड टी टू दी पर माइनस टू, एम एल टू दी पर माइनस टू टी टू दी पर माइनस टू टू दी पर सी, ठीक है. तो देखो ये क्या हो गया, देखो के तो आ गया, ये हो जाएगा एल ए एल थ्री बी टी माइनस बी एम टू दी पर सी एल टू दी पर माइनस टू सी टी टू दी पर माइनस टू सी. देखो एल का जो जो है ना, इसका पावर ऐड होते जाएगा, तो ये जो हो गया के एल टू दी पर ए प्लस थ्री बी, ठीक है, टी टू दी पर माइनस बी माइनस टू एंड एम टू दी पर, अच्छा माइनस टू सी ऑल्सो, माइनस टू सी माइनस टू एंड एम टू दी पावर ओनली सी. तो इधर क्या है, एम है, एल टू दी पर टू है एंड टी टू दी पर माइनस थ्री है, ठीक है ना. तो नाउ लुक, दोनों इक्वल करना होगा. तो देखो एल का क्या है टू और इधर ए प्लस थ्री बी, तो वी कैन राइट हेयर, अच्छा वन मिनट रुक जाओ, एम एल माइनस टू सी, माइनस टू सी ए प्लस थ्री बी माइनस ए है प्लस थ्री बी एल माइनस टू सी होगा ऑल्सो, माइनस टू सी. अच्छा हम इसको अच्छे से लिखते हैं, ठीक है रुक जाओ. तो इसको क्या क्या होगा, देखो के पहले हम m लिख देते हैं, ठीक है, m टू दी पर c हो गया. तो l किस में है, एक l दो l तीन l, ठीक है. तो ये हो जाएगा l टू दी पर a प्लस थ्री बी माइनस टू सी हो जाएगा. और t, t मतलब t टू दी पर माइनस b माइनस इट ऑल्सो टू सी माइनस टू सी, ओके ठीक है. तो अभी क्या करना होगा, दोनों को इक्वल करना होगा, जैसे m l टू टी माइनस थ्री. तो देखो इधर m का पावर कुछ नहीं मतलब वन है, तो वी कैन राइट हेयर एज m वन इजिकल टू m टू दी पर c, तो मतलब c का वैल्यू हो गया वन, ओके c का वैल्यू वन हो गया. और देखो जैसे l l l l करो इक्वल होगा ए प्लस थ्री बी माइनस टू सी इजिकल टू टू होगा, सी का तो वैल्यू वन आ गया था, तो ए प्लस थ्री बी माइनस टू इजिकल टू टू होगा, तो ए प्लस थ्री बी इजिकल टू फोर हो जाएगा. तो लास्ट इक्वेशन है टी, टी टी इक्वल करो, तो टी मतलब माइनस बी माइनस टू सी इजिकल टू माइनस थ्री, तो सी का वैल्यू तो वन था, तो माइनस बी माइनस टू माइनस थ्री, तो इधर जाएगा तो b इजिकल टू हो जाएगा क्या, b का वैल्यू हो जाएगा वन, ओके. तो b का वैल्यू जब वन आ गया तो इसमें पुट कर दो, तो इसमें क्या हो जाएगा, a का वैल्यू भी वन हो जाएगा, a का वैल्यू भी तो वन हो जाएगा ना जब b का वैल्यू इसमें पुट कर दोगे.
तो ए का वैल्यू भी वन हो जाएगा। तो नाउ लुक इन दिस वे, क्या हम लोग खाद में जो आया ए इज इक्वल टू वन, वी गॉट देन ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू वन एंड सी इज इक्वल टू वन। ओके नाउ लुक, तो पी इज इक्वल टू, वी कैन राइट हैंड नाउ के एच ए ए था, ए का जगह में हो गया वन, क्यू बी था वन हो गया एंड डब्ल्यू वन हो गया। तो दिस इज नाउ द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ हेट डिस्टेंस एंड स्पेसिफिक वेट। सो अप टू देन फॉर टुडे क्लास, फ्रॉम नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू। तो जो बाकी जो है बकिंघम पाई थ्योरम, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके सो फॉर टुडे क्लास नाउ यहाँ पे एंड करते हैं, बाय।